हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खिलौना टन टन। तो दोस्तों हमारे पास जो है शेन शेटोई के द्वारा बनाया हुआ इस तरीके का एक फार्म प्लग ट्रैक्टर है। तो बेसिकली जो है ये खेतों में काम कर सके उस तरीके का एक ट्रैक्टर है, जिसके अंदर जेसीबी के जो होता है ना, उसका जो आगे का हाथ होता है उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, बट उसके जैसा जो है एक्सटेंशन यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये जो है पुल बैक एंड गो है, पीछे की जो आगे भागे ऐसी कार है, और ये शेनशेट टोई के द्वारा बनाया हुआ है। तो शेनशेट टोई जो है बेसिकली मीन टोई करके कंपनी है, उसकी एक ब्रांड है दोस्तों, और मतलब काफ़ी पॉपुलर है। 5 साल से बड़े बच्चे इससे जो है खेल सकते हैं। वी आर द टॉय पीपल, वी सेल ओनली क्वालिटी ओनली सॉरी वी सेल ये जो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मेड इन इंडिया दोस्तों। ग्रेट विजन्स ऑफन स्टार्ट विथ स्मॉल ड्रीम्स, ठीक है ना, या तो स्पेलिंग मिस्टेक है या तो कोई नया वर्ड है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, पायोनियर इन पुल बैक टॉय सिंस 1984, बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों, मेड इन इंडिया है, सिलवासा दादरा नगर हवेली के अंदर जो है ये कंपनी बेस्ड है। उसके सोशल मीडिया हैंडल, उसकी वेबसाइट, ईमेल आईडी, फोन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए जो है इसके अंदर दो कलर्स अवेलेबल होते हैं, तो इसको खोल के हम अब देख लेते हैं। इसकी कीमत है दोस्तों 240 रुपीज़। तो ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा दोस्तों। इसकी बेस्ट बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। तो देखते हैं कौन सा कलर निकलता है। वाह, ये तो एक्चुअल में कोई नया ही कलर निकला, इन दोनों के अलावा एक्चुअल में येलो एंड रेड था, बट इसके अंदर तो ग्रीन जो है यहाँ पे निकला है। कोई बात नहीं, जो भी है सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पुल बैक का टॉयज जो होते हैं ना, उसके अंदर इन लोगों की मास्टरी है। 1984 से जो है ये मेहनत कर रहे हैं, तब से मेड इन इंडिया के लिए जो है, बट इसका नाम जो है चाइना का नाम हो ऐसा लग रहा है शायद। मुझे लगता है कि एक होता है ना कि पहले के समय में लोग जो है ना अपने कंपनी के नाम के अंदर जो है ना जापानीज़ नाम जो है लगाते थे, या तो मेड इन जापान या तो जापानीज समथिंग ऐसा लगाते थे, जिससे कि लोगों को जो है वो विदेशी लगता था। और इंडिया के अंदर ये क्रेज़ होता है कि विदेशी चीज़ें जो होती है इंडिया की चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रैक्टर है, इसको पीछे खींच लिया तो ये आगे भागेगा। तो ये जो है दो साइलेंसर है, यहाँ पे जो है ड्राइवर की सीट पे एक ड्राइवर भी बैठा है, आप देख सकते हैं। तो इसका आप लुक देख लीजिए दोस्तों, किस तरीके का लुक है, पूरा पंजाब दी शान, जय जवान जय किसान, कीप सेफ डिस्टेंस, काफ़ी अच्छी बात है। तो बच्चे जो है ना, ये एक्चुअली मूवेबल हैंड है, ये भी मूवेबल पार्ट है, तो बच्चे इससे जो है बहुत ही मज़े लेके खेल सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है साइलेंसर मिल जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े टायर्स है इसके अंदर। तो जो है काफ़ी मतलब ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो बच्चे जो है इससे बहुत ही मज़े लेके खेल सकते हैं। अपना जो है वर्चुअल वर्चुअल तो नहीं, बट एक खेत बना सकते हैं कागज़ का यूज़ करके, फिर उसके अंदर जो है इसका यूज़ करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर बफेलो रखे होते हैं, फिर जो है गेहूँ और वो सब थोड़ा थोड़ा लेके फिर ऐसे ज़मीन खोदेंगे और ये सब चीज़ें करके जो है बच्चे जो है मज़े लेंगे ऐसे ऐसे करके। अब कैसे खेलेंगे एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, बट बच्चों का जो है इस तरीके का कुछ ना कुछ फंडा रहता है, तो आप जो है इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अपने बच्चों को जो है दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, जन्माष्टमी, क्रिसमस जैसे ओकेजन पे ये जो है, या तो फार्मर्स डे होता है उस टाइम पे, एग्रीकल्चर डे, फार्मर्स डे, या तो फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उस टाइम पे आप अपने बच्चों को एज ए गिफ्ट ये दे सकते हैं। और यहाँ पे यार दोस्तों ऐसा है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है बहुत पैसा है, बट जनरली फार्मर्स जो है इसमें से ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं। और लेबर जो होता है ना फार्मर, फार्मिंग में ऐसा है कि अब लोग जो जिनके पास खेत है वो शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि खुद अपने आप ही जो है खेती बाड़ी कर सके, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती कि ज़्यादा मशीनरीज जो है लेके अकेले ही पूरा जो है बड़े बड़े खेत या तो छोटे से खेत को जो है उसमें फार्मिंग कर सके। तो मज़दूरों की काफ़ी कमी रहती है, क्वालिटी मज़दूर जो होते हैं, तो इसलिए भी फार्मिंग में दिक्कत है। बट फार्म प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, मतलब खेत में एक बार जो चीज़ उग जाती है उससे जो है सेलिंग करके बहुत सारे व्यापारी लोग जो है कमाते हैं, एग्री बिजनेस में जो है फर्टिलाइज़र से, या तो फिर ऑर्गेनिक हो, नॉन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से, पेस्टिसाइड्स है, सीड्स है उसके अंदर, या तो फार्म टूल्स होते हैं उसको बेच के बहुत सारी कंपनियां जो है मिलियंस ट्रिलियंस मतलब पैसे कमा लेती है दोस्तों इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक स्ट्रीम है, इसके अंदर भी जो है आपके बच्चों का इंटरेस्ट आप जगा सकते हैं, और उसके अंदर भी वो लोग जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फार्मिंग जो है वो मतलब ख़राब है, बट उसको जो है ख़राब हमने बना दिया है बहुत सारी अलग अलग दिक्कतों के कारण। तो आप जो है अपने बच्चों को ये सब खिलौने दे के जो है थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट इसमें जगा सकते हैं, उसके अंदर पॉजिटिविटी डाल सकते हैं, इसमें कैसे जो है आगे बढ़ा जा सकता है उसका थोड़ा सा विजन दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप फार्मिंग फैमिली से है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका कितने बीघे का या तो कितने एकड़ का फार्म है, आप चाहे तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं दोस्तों। और आपके बच्चों ने जो है फार्म विजिट किया है, फार्म में कुछ काम वाम किया है,
थोड़ा बहुत मतलब जो है खेला है कि नहीं खेला है, अगर आप चाहें आपके बच्चों ने गांव का विजिट किया है कि नहीं किया है, आप गांव में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का आपको ये खिलौना मिल जाएगा, इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और इन केस कहीं से नहीं मिल पाता है तो ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, बट आपको 240 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस एडवांस में पे करने पड़ेंगे पेटीएम के ज़रिए, ठीक है ना। और बाकी जो है आपके कितने बच्चे हैं और कौन कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं अगर आप चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, एन्जॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।